खबर राजधानी देहरादून से है, जहां अब जल्द ही दून की सड़कों में दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून की सड़कों में 2500 ऑटो चल रहे हैं, तो 800 विक्रम भी राजधानी की सड़कों में दौड़ रहे हैं। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो विक्रमों पर परिवहन विभाग जल सड़कों से हटाने जा रहा है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए और इन लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि ये किसी दूसरे वाहन में अपने को चेंज कर सकें। और इन लोगों के द्वारा बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सपोर्ट किया गया है। आरटीए की बैठक में 1 नवंबर 2022 को निर्णय लिया गया था कि देहरादून शहर के अंदर डीजल चलित विक्रम ऑटो उनको फेज आउट कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर टाटा मैजिक के परमिट दिए जाएंगे, जो कि स्टेज कैरिज के होंगे।